जो होम असाइनमेंट और होमवर्क मिला था पिछला क्लास में, उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज जो मिक्सचर्स है, जो मिक्सचर का बचा हुआ था कि गैसेस मिक्सचर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम था। कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके आंसर बताए थे, आप लोग मैच करवाइए कि आंसर सही है या फिर गलत है। जो पहला क्वेश्चन हमने दिया था वो ये था कि रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर द आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टेन डायटोमिक एसिड फाउंड टू बी 1930, यानी कि यूआरएमएस कितना दे रखा था, 1930 मीटर पर सेकंड। पूछ रहा है कि गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है या फिर क्लोरीन है। तो क्या आ जाएगा, यूआरएमएस का फॉर्मूला कितना होता है, रूट अंडर 3RT/m, ये आ जाएगा 1930 का होल स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, 3R का वैल्यू 3.18 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन और मॉलिक्यूलर वेट m। तो यहाँ से m आप कैलकुलेट करो, m का वैल्यू लगभग 2 ग्राम आएगा, ठीक है। और 2 ग्राम किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, इसीलिए जो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब जो हमारा गैस है वो कौन सा है, ये आपका हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने दिया था उसमें क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन एन आइडियल डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाई किया जाता है किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी कि सीपी, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन सीपी डेल्टा टी, इतना हीट सप्लाई किया जाता है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि द फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाइड व्हिच इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एन सीपी डेल्टा टी होता है, तो पूछ रहा है कि डेल्टा यू बाय डेल्टा, ये डेल्टा यू बाई क्यू कितना होगा, हीट एनर्जी का जो सप्लाई करे उसका फ्रैक्शन कितना होगा, ये कितना होता है आपका डेल्टा यू कितना आता है, तो डेल्टा यू आपका है एन सी वी डेल्टा टी और बाई क्यू कितना हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी, इसको कैंसिल करो या जाएगा सी डी बाई सी पी और ये कितना हो जाएगा 1/γ, क्योंकि सी पी बाई सी वी इक्वल टू क्या होता है गामा, तो सी वी बाई सी पी कितना 1/γ, तो 1/γ और गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 7/5, किसके लिए दे रखा है, ये डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए कितना होता है 7/5, यानी कि आंसर हो जाएगा 5/7, डी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको नोट कर लिए, अगला दो और क्वेश्चन था हम उसको बताते हैं, अभी जल्दी नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपके पास, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था वो ये था कि द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 120 टू 480 इफ एट 120 केल्विन आरएमएस वेलोसिटी वी है। देखिए वन टेम्परेचर है, यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर है और यहाँ पर क्या है, यू आरएमएस दे रखा है, तो 120 पे कितना दे रखा है, 120 केल्विन पे यू आरएमएस है वी, तो कह रहा है कि 480 केल्विन पे कितना होगा वाट। आप जानते हैं कि यू आर एम एस और इक्वल टू कितना होता है, रूट अंडर 3RT/m, यानी कि आर एम एस और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है, रूट का। तो अगर यहाँ से हम लोग ये देखें तो V1/V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट अंडर T1/T2, दैट्स वाई यहाँ पर V1 कितना है, अगर V है और बाय ये हमको मान लीजिए V2 निकालना है, ठीक है, तो V/V2 इक्वल टू टेम्परेचर T1 कितना है 120 और ये कितना आ जाएगा 480, यहाँ से 4 आ गया, तो V/V2 इक्वल टू 1/2, देयरफॉर V2 इक्वल टू आ जाएगा 2V, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है डी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, और जो अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या था मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन था आपका द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल मोनोटॉमिक गैस इज द सेम, कह रहा है कि सभी मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है वो सेम होता है, ये सही है या फिर गलत है। देखिए आंसर होगा इसका ट्रू, ये सही है, सभी मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो सब क्या होता है, सेम ही होता है। कैसे होता है, देखिए सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर रूट सी इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन गामा माइनस वन, इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन, ये आता है। तो ये गामा क्या होता है, जो मोनोटॉमिक गैस होता है उस मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू सबके लिए एक ही जैसा होता है, ठीक है, मोनोटॉमिक गैस के लिए, अगर डायटॉमिक रहेगा तो अलग होगा, मोनोटॉमिक के लिए एक ही होता है, आर आर फिक्स है, तो सी का वैल्यू भी क्या होगा, फिक्स ही हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि सभी मोनोटॉमिक गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है
वो फिक्स ही होता है, ठीक है। तो ये था आपका चारों का सॉल्यूशन था। कुछ बच्चे बनाए, कुछ नहीं बनाए, उम्मीद है नेक्स्ट से सब बनाइएगा, ठीक है। अभी जो होमवर्क लास्ट लेक्चर में देंगे, दो क्वेश्चन देंगे, उसको सब लोगों को बनाना है। चलिए नोट कर लीजिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टडी कर रहे हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गैसेस मिक्सचर। इससे पहले हम लोग जो इंडिविजुअल गैसेज होती है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्या क्या निकाले थे, सबसे पहला चैप्टर था वहां पर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखे थे, किसी भी सिस्टम का हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी सब्सटेंस का कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज था, इस चैप्टर में हम लोग कुछ एजम्पशंस देखे थे, प्रेशर कैलकुलेट किए थे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट किए थे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैलकुलेट किए थे, एवरेज स्पीड कैलकुलेट किए थे, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किए थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े थे। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो आपका एनर्जी होता है उसके साथ क्या रिलेशन होता है, यानी इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। आज जो हम करेंगे वो गैसेस मिक्सचर से रिलेटेड करेंगे कि अगर दो या तीन गैस अगर हम मिला देते हैं तब उसका स्टडी किस प्रकार से किया जाएगा, उसका सीपी क्या होगा, सीबी क्या होगा, गामा क्या होगा, बेसिकली हमको यही देखना है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पर, आपको समझना है और इसके बाद इसको हम लोग एक क्वेश्चन से भी समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गैसियस मिक्सचर, अगर कहीं पर गैसेस का मिक्सचर है, देखिए सबसे पहली चीज होती है कंसिडर टू नॉन रिएक्टिव गैस। ये ध्यान देना है कि अगर गैसेस मिक्सचर आप लोग यहाँ पे ला रहे हैं तो गैसेस मिक्सचर नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बना देगा, ये गैस रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर गैस हैविंग नंबर ऑफ मोल्स N1 एंड N2 मिक्स्ड इन अ क्लोज्ड वेसल ऑफ वॉल्यूम V, क्या करते हैं हम लोग, दो नॉन रिएक्टिव गैस है, एक का नंबर ऑफ मोल N1 है और दूसरे का नंबर ऑफ मोल N2 है, इन दोनों को हम लोग एक क्लोज वेसल में जिसका वॉल्यूम क्या है V है, इन्हें हम लोग मिक्स कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक गैस ये वाला है, आप देख रहे हैं ये गैस है एक, ठीक है, और एक गैस कौन सा है, ये है, इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो N1 है और इसका नंबर ऑफ मोल्स N2 है। तो इसमें क्या क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, पहली चीज है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा गैस का। तो गैस का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा वो N1 प्लस N2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह कैलकुलेट करना है। दूसरा, जो मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर, इस मिक्सचर का मोलिकुलर वेट कितना होगा। तो देखिए अगर ये N1 है और इसका मोलिकुलर वेट M1 है, कोई गैस होगा उसका मोलिकुलर वेट होगा, ये N2 गैस जो है, N2 मोल वाला जो गैस है, इसका मोलिकुलर वेट M2 है, तब जो इस मिक्सचर का मोलिकुलर वेट होता है ये N1 M1 प्लस N2 M2 बाई N1 प्लस N2 के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में इस मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट कितना होगा। तो इसका भी फॉर्मूला होता है NCV1 प्लस N2CV2 और N1 प्लस N2। अब ये क्या है, CV क्या है, मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट है, V फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, V फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मिक्सचर का जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट होगा ये N1CV1, यानी कि इसका स्पेसिफिक हीट कितना है CV1, इसका स्पेसिफिक हीट कितना है CV1, कौन से गैस का, N1 मोल्स वाले गैस का CV1 और N2 मोल्स वाले गैस का कितना है CV2। तब जो इस मिक्सचर का कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट होता है ये NCV1 प्लस N2CV2 बाय N1 प्लस N2 के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, सारे का पैटर्न एक ही है, ठीक है। फिर ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे पूछेगा तब कितना होगा, उसी प्रकार से CV1 कांस्टेंट वॉल्यूम तो CP कांस्टेंट प्रेशर NCP1 प्लस N2CP2 बाय N1 प्लस N2, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। अब बोलेगा कि गामा कितना होगा मिक्सचर का, तो हम लोग जानते हैं कि गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट, गामा क्या है, एडियाबेटिक कांस्टेंट CP बाय CV। अगर पूछे यहां पर CP है मिक्सचर का, तो मिक्सचर का गामा पूछ रहा है, तो CP मिक्सचर का बाय CV मिक्सचर का, ये CP बाय CV इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए CP बाय CV करेंगे तो N1 प्लस N2 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा NCP1 प्लस N2CP2 बाय N1CV1 प्लस N2CV2। तो ये पांच यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कैलकुलेट करने होते हैं अगर कहीं पर हम लोग को मिक्सचर दे देगा। इजी है, आसान है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि मिक्सचर से रिलेटेड है।
आप लोग इसको थोड़ा वीडियो को रोकिए और थोड़ा बनाने का कोशिश कीजिए, बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, कहाँ तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है कि हाउ मच हीट एनर्जी शुड बी एडेड टू द गैसेस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम हीलियम। एक हमारे पास गैसेस मिक्सचर दे रखा है, इसमें क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन का है और 1 ग्राम हीलियम का है, ये दो चीज दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए हाइड्रोजन के लिए अगर 1 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो वेट इसका कितना है 1 ग्राम और मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका 2। अब इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल इसका क्या होगा हीलियम का, तो हीलियम का नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन मोलिकुलर वेट यानी कि 4, दोनों का नंबर ऑफ मोल निकल गया, इसका भी नंबर ऑफ मोल 1/2 और इसका नंबर ऑफ मोल 1/4। अब इसका Cb1 कितना होता है, ये Cb1 हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, Cp1 क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, Cb1 और Cb2 ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर पूछ रहा है कि इस मिक्सचर में कितना हीट ऐड करना होगा। तो इस मिक्सचर में जब हीट ऐड करना होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो आप हीट एडिशन का क्या फॉर्मूला होता है, dQ=nCv∆T। तो n यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि पूछ रहा है कि इस मिक्सचर में कितना हीट ऐड करना होगा, इस मिक्सचर का टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो 1/2 + 1/4। इस मिक्सचर का सीवी कितना होगा, फिर यहां पर जब कांस्टेंट प्रेशर में चलेंगे तो यहां पर क्या जानना होगा, ∆Q=nCp∆T। ∆T तो पता है 0 से 100 यानी कि 100, तो इस मिक्सचर का सीपी कितना होगा। तो अगर ये चीजें हमको कैलकुलेट यहां पर करनी है तो सबसे पहले सीबी का फॉर्मूला अभी हम मिक्सचर का देखे हैं कि N1CV1 + N2CV2, मतलब जो गैस है उसका इंडिविजुअल N1CV1 + N2CV2 / N1 + N2। फिर अगर सीपी निकालेंगे तो N1CP1 + N2CP2 / N1 + N2, तो इसीलिए हम लोग इसका CV1 निकालते हैं। अब देखिए CV1 का फॉर्मूला क्या होता है, जरा आप याद करें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में क्या होता था, F/2 × R, ये होता है सीवी का फॉर्मूला होता है, सीवी का डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ रिलेशन F/2 × R। हम लोग स्टडी किए थे जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े थे, तो अब यहां पर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हटा देते हैं, अभी यहां पर कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये यहां पर हाइड्रोजन कौन सा गैस है, डायटोमिक है, और डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है, तो 5/2 × R कितना दे रखा है, 2 कैलोरी, ये कैंसिल हो गया यानी कि आ गया 5, ठीक है CV1। इसी प्रकार से CV2 कितना आ जाएगा, F/2 × R, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हीलियम है, हीलियम इज अ मोनोटॉमिक गैस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटॉमिक गैस विल बी 3, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3/2 × 2 यानी कि 3 आ जाएगा, ये निकल गया। अब CV1 निकल गया, CP1 भी हम निकाल के रख लेते हैं, तो CP1 कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए CP - CV = R, CP - CV = R, तो यहां से CP अगर हम लोग निकालेंगे, देखिए CP = कितना हो जाएगा, R + CV, ये फॉर्मूला आपके पास है R + CV। तो अगर यहां पर CP1 निकालेंगे तो CP1 कितना हो जाएगा, R + CV1, तो R कितना है 2 और ये कितना है 5 यानी कि 7। और फिर यहां से अगर हम CP2 निकालेंगे तब कितना हो जाएगा, डायरेक्ट सम करते हैं R2 और ये V1 कितना है 3 यानी कि 5 आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज किए, इसको हटा देते हैं, CP - CV = R, CP - CV = क्या हो जाएगा R। कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर, एक तो हम लोग यूज किए हैं कि CV = F/2 × R, और दूसरा क्या यूज किया है, CP - CV = कितना है R के बराबर, ठीक है, ये हम लोग दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। अब निकल गया सारा इस मिक्सचर का। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोगों को चलना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो CV = कितना हो जाएगा, N1CV1 + N2CV2 / N1 + N2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा N1 का वैल्यू, 1/2 × CV1 कितना है 5 + 1/4 × 3 / 1/2 + 1/4 कितना जाएगा 5 3, ये जाएगा इधर 4, तो यह आ जाएगा 2 10 + 3 13 बाई, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 3, यही आएगा ना 13/3 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया मिक्सचर का, आ गया ये किसका आ गया, मिक्सचर का ये आ गया।
तो देयरफॉर कितना हीट की आवश्यकता होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, फर्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी निकलेगा मिक्सचर का, तो ये एन सी वी डेल्टा टी, तो एन कितना है पूरा मिक्सचर का 1/2 प्लस 1/4, ये आ गया 1/2 प्लस 1/4, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई सी वी कितना आ गया 13/3 और इंटू डेल्टा टी चेंजिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया। इसको आप सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद जो कैलकुलेशन आ जाएगा 325 कैलोरी के आसपास इसका आंसर आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितना जाएगा 325 कैलोरी आ जाएगा इसका आंसर। नौ, सेकंड कांस्टेंट प्रेशर पे चलिए निकालिए, पहले सीपी निकालिए कितना आता है, चलिए सीपी निकालते हैं। तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा N1CP1 प्लस N2CP2 बाय N1 प्लस N2, N1 कितना है 1/2, CP1 कितना है 7 प्लस 1/4 इंटू CP2 कितना है 5 बाय 1/2 प्लस 1/4, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सीपी, यह आ जाएगा 19/3, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 19/3 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 19/3, ठीक है। अब यहां से देयरफॉर अब डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा एन सी पी डेल्टा टी, चलिए यहां पर वैल्यू रखिए, एन का वैल्यू 1/2 प्लस 1/4 इंटू सी पी का वैल्यू 19/3 और डेल्टा टी 100, यहां पे आप लोगों को रखना है। और रखने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा यह आ जाएगा 475 कैलोरी। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट यहां पर चीजें समझ में आती है, देखिए अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर है तो आंसर कितना है 325 और कांस्टेंट प्रेशर पे कितना है 475 कैलोरी। तो यहां से क्या है कि एक चीज समझ में आती है कि अगर सेम मिक्सचर हो, ठीक है, और उस सेम मिक्सचर में अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर एनर्जी सप्लाई करना चाहते हैं तो 325 और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर सप्लाई करना चाहते हैं तो आ जाएगा 475 कैलोरी। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है 475 कैलोरी एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम 325 कैलोरी। तो कांस्टेंट प्रेशर पर ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर कम एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। इसकी वजह क्या है, देखिए जब हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम कर देते हैं, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी आप गैस मॉलिक्यूल्स में अगर एनर्जी डालते हैं तो इसका जो एनर्जी है वो सिर्फ उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग डालते हैं तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाता है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी एक्सपेंड करता है। यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर पर तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या करता है कि इसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाता है और साथ ही साथ इसका वॉल्यूम भी एक्सपेंड करता है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो एनर्जी होता है इसका दो तरीका से यूज होता है, जबकि यहां पर इसका एनर्जी सिर्फ एक ही तरीका से यूज होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन है, अब इसको नोट कर लीजिए। ये एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिक्सचर से ही रिलेटेड है, इसको सॉल्व कीजिए। तो 10 सेकंड इसको रोकिए और सॉल्व कीजिए। सॉल्व तो कोई बच्चा करता नहीं है, लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिए थे और होमवर्क का बहुत कम बच्चा अपना आंसर वहां पे लिखा है, मतलब साफ है कि मन नहीं लग रहा। सॉल्व कीजिए इसको। क्या करे, ए वेसल ऑफ वॉल्यूम, एक वेसल है इसका वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है, ये दे रखा है 2 × 10⁻²⁰ m³, वॉल्यूम कितना है 2 × 10⁻²⁰ m³। सॉल्व करने का सबसे पहला यही तरीका, क्वेश्चन को समझिए, जो दिया है उसको बाहर कर लीजिए, ठीक है। कंसिस्ट अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन गैस है और हीलियम है, दो दे रखा है। एट 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना दे रखा है 47 डिग्री सेल्सियस, ये दे रखा है। एंड प्रेशर, प्रेशर कितना है ये भी दे रखा है 4.15 × 10⁵ N·m², ये दे रखा है। द मास ऑफ मिक्सचर इज 10⁻²⁰ kg, ये मास मिक्सचर का टोटल मास कितना दे रखा है 10⁻²⁰ kg, ये केजी में है। कैलकुलेट द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम का कितना मास होगा, मान लेते हैं हाइड्रोजन का M1 है और हीलियम का कितना है M2 है, तो एक इक्वेशन आ जाएगा M1 प्लस M2 = 10⁻², दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है, ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, अच्छा पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा सकते हैं, पी वन यानी कि टोटल प्रेशर, वी टोटल प्रेशर ही दे रखा है ना इतना इसके अंदर में, फोर इंटू टेन ये है ना, हाँ प्रेशर दे रखा है मिक्सचर का, इक्वल टू एन, एन यानी नंबर ऑफ मोल पहला का प्लस दूसरा का, आर टी आर इंटू टी, ये आर इंटू टी दे रखा है ठीक है। अब प्रेशर कितना है यहाँ पर इस सिस्टम में, ऑल्सो अगर ये आप लगाना चाहते हैं इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, तो प्रेशर कितना दे रखा है 4.15 इंटू 10 टू द पावर 5, वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, एंड नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा इसका मास बाय वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना है 2 होता है हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट, तो आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन यूज किया है ना इसमें एक केजी है, तो यहाँ पर 2 ग्राम नहीं हम लोग केजी यूज करेंगे, प्लस एम टू बाई 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, वाई क्योंकि यहाँ पे हीलियम है और हीलियम का 4 होता है, आर इंटू टी, अच्छा टी किस में है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो आर का वैल्यू भी हम लोग डिग्री सेल्सियस में यूज करेंगे, कितना होता है आर का वैल्यू 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना है 47, आर का वैल्यू 8.31 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए, इसको 47 को केल्विन में हम लोग यूज करेंगे कितना आ जाएगा 273 प्लस 47 जीरो 8.31 ठीक है जूल पर मोल केल्विन, आर का वैल्यू कितना होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का 8.31 जूल पर मोल केल्विन, 8.31 जूल पर मोल केल्विन, तो यहाँ पर केल्विन होता है ना टेम्परेचर, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में यूज कर लिए, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद M1 प्लस M2 का एक इक्वेशन आ जाएगा, आएगा M1 प्लस M2 का कैसे आएगा इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं ठीक है, ना देखिए 4.15 इंटू 2 तो कितना जाएगा 8.3 पहली चीज ठीक है, और 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 यानी कि 10 टू द पावर प्लस 3 ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से M1 बाई 2 प्लस M2 बाई 4 और ये माइनस 3 हम लोग बाहर निकाल लिए हैं, यह आ जाएगा 8.31 इंटू 320 बाई 10 टू पावर माइनस 3, ये कैंसिल हो गया दोनों, अच्छा इसको अगर हम लोग इस साइड ले जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये क्या बचा यहाँ पर 1 बच गया, और यहाँ पर क्या आ गया देखिए इसको हम लोग एलसीएम लेंगे 4 तो आ गया 2M1 प्लस M2 इंटू यहाँ पर कितना बच गया 320, तो अब यहाँ से 320 से कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, यानी कि आ गया 2M1 प्लस M2 इक्वल टू 1 बाई 80, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों का आप सॉल्व कीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं 1/100 ठीक है माइनस 3 को, तो M1 प्लस M2 इक्वल टू 1/100 और 2M1 प्लस M2 इक्वल टू 1/80, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद M1 और M2 का वैल्यू यहां से आ जाएगा, आप लोग सॉल्व करना इसको, मैं इसको डायरेक्ट इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं ठीक है। डायरेक्ट इसका जो आंसर आया है वो M1 है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg माइनस 3 kg, और जो M2 आया है वो 7.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 kg, तो ये आपका था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आसान सी क्वेश्चंस थी, आप लोग ट्राई नहीं करते हैं, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे उसको भी आप लोग ट्राई नहीं किए हैं, तो उसको भी जाके फिर से एक बार ट्राई कीजिए और इसको नोट कर लीजिए फिर। तो आज का ये दो क्वेश्चंस होमवर्क है आप लोगों के लिए, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीवी ऑफ द गैसेस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ V1 मोल्स ऑफ गैस ऑफ एडियाबेटिक कंपोनेंट गामा 1 एंड V2 मोल्स ऑफ अनदर गैस ऑफ एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा 2, इसके लिए सॉल्व करना है, आंसर ये है। दूसरा है कि व्हाट हैपेंस टू बी रैंडम मोशन व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज फ्री एक्सपेंशन, जब कोई आइडियल गैस फ्री एक्सपेंशन में जाएगा तब उसके रैंडम मोशन में क्या असर पड़ेगा, ये दो क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व करना है
जो लोग सॉल्व कर लिए यहाँ पर यस करना है, जो नहीं किए है उसको नो करना है। ठीक है, जो पहले जो असाइनमेंट मिला था उसमें काफ़ी कम बच्चे क्वेश्चंस किए थे, तो उनको भी कर लेने हैं वो लेक्चर देखकर, वो जो असाइनमेंट वाला था उसको भी कर लेने हैं। और ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है वो इसी के साथ वो फिनिश हो गया है। अगर किसी को किसी भी प्रकार के अगर डाउट है तब आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप यही कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पेज पर वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। सभी को देखते हैं और जो भी जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होगा एक हम डॉट सेशन लेकर आएंगे और वहाँ पर सारे प्रॉब्लम को डिस्कस कर देंगे। अब जो इसके बाद जो हमारा चैप्टर आने वाला है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आने वाला है, और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। तो ये दो चैप्टर फिनिश हो गया, आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिए, लेक्चर को एंजॉय कीजिए, घर में बैठिए, सेफ रहिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।